बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरज रास, और आज किस वीडियो देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए हम हिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। तो हिस्ट्री के पेपर में आप देख लो, अभी हाल ही में एक पेपर होने वाला है, उस पेपर के बारे में आप जानते होंगे कि जो पेपर हम जो बताते हैं वो सारे प्रूफ करते हैं, और प्रूफ का मतलब यह है कि भरोसा, वो भरोसा हम आपको दिलाते हैं। और भरोसा दिलाने में पेपर हैकर काफ़ी हद तक सक्षम रहा है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं अपने सेल्फ डिफरेंस से कह सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता हूँ, ओके, अपने आत्मविश्वास के द्वारा। इसमें किसी भी संस्था का कोई रोल नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर में आ रहे हैं। अब ये कैसे बताते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना है कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सोच लो, समझ लो, जान लो, जस्ट मोमेंट रुकेंगे, जस्ट मोमेंट ओनली। देखो, सबसे पहले जान लो मेरी बातों को, कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कम से कम 1 से 2 महीने हो गए, 2 मंथ हो चुके हैं, मैंने आपको केवल बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं कम कर रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को मैं कुछ कम कर रहा हूँ, कुछ सब कम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कम कर रहा हूँ। और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा भाई, 10 क्वेश्चंस ओनली, 70% प्लस, 70% प्लस वहां से देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है, ये हमारा क्या है वादा है, और आपको इस वादा को अपना एक वादा करना होगा। आप सभी लोग एक मुझसे वादा करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड सखा सहेली जो भी हैं उन सभी को इस वीडियोज़ के हमारे चैनल के बारे में सभी को बताएंगे कि आप पेपर हैकर से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ क्या हुआ, 70%, 1 से 2 महीने पेपर वाले पहले वीडियो वाले देखोगे आप, 80, 90, 85 से मैं ऊपर की बात करता हूँ, मतलब कि 90% ऊपर की बात करूंगा मैं यहाँ, आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, लेकिन आज मैं क्वेश्चन की बात करूंगा 80% प्लस की, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यदि पढ़ेगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा, इसीलिए पेपर हैकर की टीम ने, मतलब कि आई मैंने कह सकता हूँ, मैंने कुछ सोचा है आपके बारे में, कुछ सरल करने के बारे में, क्योंकि एग्जाम आपका लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हो जाएगा, तो इस वजह से आप 1 से 1.5 महीने सिर्फ ये पढ़िएगा, उसके बाद जो 2 दिन या 3 दिन बचेंगे वो 10 क्वेश्चन आपको रटना होगा पेपर में पास, 70% प्लस, और आप टॉपर। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, ठीक है। चलो, टिक लगा लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं अपने बीए के बारे में, पहले हम बात करेंगे बीए हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री आपका पेपर आ चुका है, बीए सेकंड ईयर, ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर से कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर है लेकिन सेकंड सेमेस्टर है, और ये है हमारा हिस्ट्री का, सेकंड ईयर अलग से है, वो आप घबराना मत, क्या है वो सेकंड ईयर, वो अलग है, सेकंड सेमेस्टर है जो रेगुलर वाइज स्टूडेंटों का होगा, ईयर जो होगा वो प्राइवेट स्टूडेंटों का होगा आगे से, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। तो आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपका सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर आप देख रहे हैं, और ये मैं बात करने वाला हूँ 2022 में आने वाले प्रश्नों की। आप इन प्रश्नों को याद करके 80% लाएंगे आज के पेपर में, आज के पेपर जो आप जो बता रहा हूँ, पेपर जो बना रहा हूँ, इनको आप पढ़ लेते तो 80% आप टॉपर बनने वाले हैं, ठीक है, 80%। पहले वाला क्या था, 85% से 90%, ठीक है, 95%, आज 80 से ऊपर आएगी, नीचे की तो बात ही मत करो, नीचे की तो आप क्या करने वाले हैं, बात ही नहीं करेंगे। चलो, अब क्या करने वाले हो, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के तुर्की साम्राज्य का
संपादक था विवेचना करिए। पहले क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन लॉन्ग में होगा, आप घबरा जाते हैं कि सर ये लॉन्ग में आएगा या फिर शॉर्ट में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे नोट्स, हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड करना होगा। नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी आपके गैस पेपर में दे रखे हैं, नोट्स में दे रखे हैं, आप वैसे पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे हमारे नोट्स में लॉन्ग दे रखा है तो लॉन्ग, शॉर्ट दे रखा है तो शॉर्ट, उस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन आपने अपने बुक में नोट्स में नोट कर लिया होगा, साथ ही साथ अपने बुक में या फिर गैस पेपर में टिक कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था, इसकी विवेचना करिए, ठीक है। दूसरा है कि राजपूतों के पराजय क्यों होने के, राजपूतों की पराजय कारण की समीक्षा करिए, मतलब जो राजपूत लोग थे वो किस कारण से पराजय हो गए थे, मतलब कि हार गए थे, ठीक है। हारने के कारण क्या थे राजपूतों के, वो आपको बताना है। ये वाला एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, जलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति के बारे में, ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ओके। उसके बाद में है कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक प्रारंभिक जीवन, गृह नीति, विदेशी नीति हटाओ, मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाएं, मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाओं को आपको याद कर लेना है। जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, फिलहाल अभी आप इन क्वेश्चनों को ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पेपर में आप टॉप करेंगे। दूसरा बात हो गया, चलो फिरोजशाह तुगलक की सुधार नीति छोड़ दीजिए, बहलोल लोधी की उपलब्धियों के बारे में, उनकी गृह नीतियों के बारे में याद करेंगे, बहलोल लोधी इज मोस्ट। उसके बाद में सिकंदर लोधी, महानतम लोधी सुल्तान था, इसकी विवेचना करिए। दूसरे क्वेश्चन को आप याद करिए, ये सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे। अभी ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, आप कोई सुल्तान की आप विवेचना करोगे तो छोटी मोटी तो विवेचना करने वाले नहीं हो यार, कम से कम ढाई तीन पेज में विवेचना करोगे, उसने क्या किया फ्यूचर में, अब तक क्या करने वाला है, समझ रहे ना। ओके, उसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी शासन काल की प्रमुख, देखो इब्राहिम लोधी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शासन काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी इब्राहिम लोधी के समय की। पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय, तीनों युद्धों को पढ़ के जाएंगे क्योंकि यहां से एक युद्ध या फिर दो युद्ध आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई बचाव नहीं है, कोई नहीं हटा सकता वहां से। बाबर भारत के पराजय, बाबर के सभी युद्ध, चार युद्ध किए थे खानवा, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको आना याद करना है, पानीपत को, खानवा को, सब कुछ याद कर, चारों युद्ध को, चारों युद्धों के बारे में आपको याद होना चाहिए। हुमायूं की कठिनाइयां छोड़िए, शेरशाह सूरी के प्रकाश डालिए, अकबर के छोड़ दिए, अकबर का ये वाला पढ़ लेना, अकबर की ये वाली अच्छी तरीके से रट के जाना है। अकबर की धार्मिक नीति जिसे दीन ए इलाही बोलते हैं, अकबर की दीन ए इलाही नीतियों के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो उसके बाद में कौन सा है, देखिए ध्यान से, उसके बाद में है अकबर की राजपूती नीति, अकबर के राजपूती नीति क्या थी वो आपको देखना है। शाहजहां सूरी के चरित्र, शाहजहां सूरी के जो सॉरी शाहजहां था उसके जीवन चरित्र, मतलब कि उसके जीवन के बारे में आपको याद कर लेना है, उसके जीवन के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है, जीवन चरित्र आपको देख लेना है। और ये औरंगजेब थे उसकी धार्मिक नीति क्या थी, ठीक है, और धार्मिक नीति का मतलब यह था उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, अब जजिया कर लगाया तो उन्होंने क्या किया, कर लगा दिया, हिंदू कर देंगे ये बोला गया, तो धार्मिक नीति बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या कारण थे, छुट्टी, यहां मुगलों के पतन होने का कारण क्या था, मुगल थे उनका पराजय होने का कारण, मतलब मुगल हार क्यों गए थे, बताओ मुगल क्यों हार गए थे, उसके बारे में आपको बता रहा है। चलो उसके बाद में है शिवाजी के परिचय, शिवाजी बहुत ज्यादा उनकी उपलब्धियां कौन से, चरित्र बता देना है, शिवाजी का परिचय देना है, मतलब शिवाजी कहां से थे, कैसे थे, वो क्यों आए, उन्होंने क्या क्या किया, वो मुगल समझ छोड़ देना है स्मारकों के बारे में। लेकिन भक्ति आंदोलन को पढ़ लेना, कबीर के सामाजिक और धार्मिक सुधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसेगा, एक एक आया तो शॉर्ट में फंसेगा वरना लॉन्ग में, ये भी शॉर्ट में फंसने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे नोट्स में दे रखा है वैसे पढ़िए, हमारे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है मोहम्मद गौरी पर, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा,
इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपसे कहेगा मोहम्मद गौरी के यकी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो कुछ प्रभाव आपको देखने को मिले होंगे, वो प्रभाव क्या थे, कैसे थे, किस लिए आए थे, उन प्रभावों के बारे में आपको याद कर लेना। मोहम्मद यहाँ कह रहे इब्राहिम लोधी की संक्षिप्त है, छोड़िए इसको, ये देख लेना हल्दी जो है, देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बाद जहांगीर, देखो ये है जहांगीर की मेवाड़ विजय हुई थी तो उसका मूल्यांकन करना है। तो जहांगीर ने जब मेवाड़ की विजय हुआ था, मेवाड़ विजय, मेवाड़ का जो युद्ध हुआ था उस पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में आपको याद कर लेना है। और मराठों के पतन होने का कारण, मराठों का हारने का कारण क्या था, किस कारण से मराठे हार गए थे, वो आपको देखना है भाई। हिंदू मुस्लिम संस्था की चार विशेषताएं, हिंदू मुस्लिम कोई संस्था है उसकी चार विशेषताओं के बारे में याद कर लेना है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा कि सूफीवाद क्या है, उसका सूफीवाद ही शॉर्ट में, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये शॉर्ट में फंसने वाले हैं, शॉर्ट में फंसेंगे, बस इतना क्वेश्चन देख लेना है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनकी हम वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो को, और साथ ही साथ एमसीक्यू के पीडीएफ को भी हम प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ को अलग से आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और अच्छा करना है, सब कुछ बेहतरीन करना है, क्योंकि आप 2022 के स्टूडेंट हैं और बेस्ट स्टूडेंट हैं। हर साल हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा वादा है। और आप हमसे वादा करिए कि आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को बताएंगे, और पेपर हैकर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, हाई स्कूल इंटर बीए बीए बीएससी बीकॉम जितने भी हैं, डीएलएड यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेकपाल की, सारे आप नोट्स को डाउनलोड करिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, और प्रैक्टिस सेट लगाइए दबाकर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।